सभी प्यारे भाइयों को नमस्ते और आदाब। ये गाड़ी है शेवरलेट की बीट 2013 का मॉडल है। इस गाड़ी में कस्टमर को करीब 3 महीने से ये दिक्कत आ रही थी। ये गाड़ी 2 सेल्फों में स्टार्ट हो रही थी, वो भी कंटिन्यू करीब 20 से 30 सेकंड सेल्फ लगा रहे थे तब। ये गाड़ी बिसौली से आई है हमारे पास। हमारे यहाँ से बिसौली है 25 किलोमीटर। ये हमारे पास आंवले में गाड़ी आई है ठीक होने के लिए। कस्टमर ने हमसे कांटेक्ट किया, सारी हमें बात बताई। किसी ने कुछ ख़राब बता दिया कि इसके इंजेक्टर और पंप होंगे। हमारे पास हमने गाड़ी मंगवाई ये टू चैन करवा के। हमने देखी ये गाड़ी सुबह सुबह को जैसे थोड़ा सा धक्का ले रहे थे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जा रही थी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर सेल्फ ले रहे थे तो बहुत लंबे राउंड में कंटिन्यू करीब 2 सेल्फों में 20 20 30 30 सेकंड का सेल्फ ले रही तब स्टार्ट हो रही थी। हमने चेक करा तो बहुत माइनर सा बैक कंप्रेशर था इंजन में। हमने कस्टमर को बोला कि इसमें रिंग वगैरह पड़ेंगे। हमने इंजन खोला तो उसमें स्लिप वगैरह कट हुई थी और पिस्टनों में भी रिंगों में चाल थी। ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुकी थी। इसमें कभी इंजन का काम नहीं हुआ, इंजन पहली बार खुला था। और इसमें चेन वगैरह कभी किसी ने चेन का काम हुआ होगा गाड़ी में। हमने ब्लॉक में स्लिप वगैरह लगवाई नई और रिंग पिस्टन सारे हमने नए डाले। हमने नोजल वगैरह सब चीज़ चेक करी थी। नोजल में, प्लंजर में, नोजल में, हाई प्रेशर पंप में हमें कोई दिक्कत नहीं लगी। हमने सब चीज़ चेक करी, सब एकदम सही थे अपनी जगह पर। हमने क्रैंक का काम नहीं करवाया, क्रैंक स्टैंडर्ड पे थी। क्रैंक के जो CR बुश होते हैं बिगिन, ये हमने सब पुराने ही लगाए। हमने क्रैंक में कोई चाल नहीं थी, कुछ नहीं थी, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर में कुछ नहीं होता है। वो तो रिंग वगैरह का तो काम जैसे सर्विस वगैरह लेट हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से स्लिप वगैरह रिंग वगैरह चले जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हमने क्रैंक ऐसी लगा दी जो कंपनी से थी स्टैंडर्ड पे, ओरिजिनल बेगिन के साथ। ये मेरी पहली वीडियो आवाज़ के साथ में, तो कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सभी भाइयों से। हालांकि हमारी समझ में नहीं आ रहा था, करीब 2 3 घंटे तो हम ये समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत माइनर सा बैक कंप्रेशर था इंजन में और उसकी वजह से लग नहीं रहा था कि इसकी इतनी स्टार्टिंग लेट होगी। हालांकि हमने काम किया, रिंग वगैरह हमने डाले, स्लिप लगवाई नई, पिस्टन नई डाली, गाड़ी एकदम टन हो गई। बिल्कुल गाड़ी में कोई भी कमी नहीं रही और गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। और जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जहाँ से भी, तो कमेंट करना। और आप सर्विस में ये बात ये कहूँगा कि आप, कोई भी गाड़ी हो आपके पास डीजल की या पेट्रोल की, आप मोबिल जो है ओरिजिनल डालें और सर्विस आप टाइम से करवाएं। और एयर फिल्टर वगैरह आप अगर ठीक है तो सही है, नहीं तो आप, एयर फिल्टर तो बहुत ज़रूरी होता है चेंज होना गाड़ी का, क्योंकि सारी कमी जो होती हैं रिंग और पिस्टन की, जो स्लिप कटती है तो एयर फिल्टर के द्वारा जो मिट्टी जाती है, धूल होती है, डस्ट, उस वजह से स्लिप वगैरह कट जाती हैं। हमने इसमें जो मेन सील होती है और जो टाइमिंग सील होती है वो सारी हमने नई डाली। और बाकी अपने जो भी काम है
हेड गैसकेट, सब ये चीज़ तो नहीं डालना चाहिए खैर सभी मैकेनिक भाइयों को। देख रहे होंगे कि जो पिस्टन है ये थोड़ी हल्की टाइट है, तो जब इंजन के अंदर स्लिप लगती है तो पिस्टन हल्की टाइट ही रखी जाती है। हर मैकेनिक टाइट ही रखता है थोड़ी पिस्टन, इसलिए गाड़ी को रमा किया जाता है 5-6 घंटे, और कस्टमर को बोला जाता है कि आप गाड़ी की सर्विस पहले जल्दी करवाना, और आप कम करीब 1 हफ्ते तक गाड़ी बहुत आराम से चलाना, क्योंकि पिस्टन हल्की टाइट ही रखी जाती है। जो ओरिजिनल ब्लॉक होता है वो स्टैंडर्ड पे होता है, ये हल्का टाइट रहता है ब्लॉक स्टैंडर्ड के अलावा, इसलिए जब भी रिंग पिस्टन का आप अपनी गाड़ी में काम करवाएं तो आप 1 महीने तक, बस 1 महीने नहीं 1 हफ्ते तक आप गाड़ी बहुत आराम से चलाएं, जिससे कि आपकी इंजन की लाइफ, जितना आप 1 हफ्ते तक आराम से चला लेंगे तो आपकी गाड़ी और अच्छा चल के देगी आगे को, आपको कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी।
ये रोकर हमने सारे ही फ्री करके लगाए हैं इंजन में, क्योंकि ये चलने के बाद इनमें ऑयल फिल हो जाता है, भर जाता है ऑयल, जिससे कि ये टाइट हो जाती हैं। इनको फ्री करके लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि साउंड अच्छी आती है गाड़ी की, टिक 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 की आवाज़ ये रोकरों से ही ख़त्म होती है। और इन्हें रोकरों को फ्री करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप पतली सी सुई लें और ये रोकर, इसकी बुलेट होती है, उसे निकालने के बाद उसके सुराग में बिल्कुल सेंटर में डाल के और आराम से रोकर को दबाएं, सारा ऑयल बाहर ना जाएगा पुराना, और रोकर एकदम फ्री हो जाएगा। और अगर आप रोकर फ्री करके लगाएंगे तो आपकी गाड़ी की साउंड बहुत बढ़िया आएगी, टिक 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 की साउंड बिल्कुल नहीं आएगी इंजन में से, कोई भी नॉकिंग वगैरह की किसी भी तरीके की साउंड नहीं आएगी, ये ओरिजिनल साउंड आती है, वो रॉकर ही बनाते हैं, ओरिजिनल साउंड को बरकरार रखते हैं। हमने सारे ही रॉकर फ्री करे बढ़िया करके, सब डीजल से ही धोए हमने। हमने सुबह से बांधना स्टार्ट किया इंजन, और शाम 4 बजे तक इंजन कंप्लीट करके गाड़ी में लगा दिया, और हमने दूसरे दिन को स्टार्ट की गाड़ी करीब 9 बजे, और 3 बजे कस्टमर को गाड़ी दे दी। इंजन बहुत आसानी से बन जाते हैं, ये बीट हुई, स्विफ्ट है, बिस्टा है, क्वार्टर जेट, और बहुत अच्छे माइलेज देते हैं ये इंजन। बीट का इंजन करीब 25 से ऊपर एवरेज निकालता है आप सही से चलाएंगे, और बाकी स्विफ्ट तो अपनी है ही 20 से ऊपर एवरेज निकालने वाली। ये इंजन बहुत अच्छे माइलेज देते हैं और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है अगर आप ठीक से चलाएं। ये आसानी से 2 लाख किलोमीटर चल जाते हैं, और ज़्यादा भी चलते हैं अगर कस्टमर सही से थोड़ा मेंटेन करके रखें कार को, अपने सर्विस वगैरह, गियर ऑयल कूलेंट, टाइम पर इसका चेंज होता रहे तो अच्छे चलते हैं ये इंजन। इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है इंजनों की, और माइलेज भी बहुत ज़बरदस्त निकाल के देते हैं ये इंजन।
इस इंजन में हमने टाइमिंग चेन और जो है पैड होते हैं वो सारे हमने पुराने ही रखे हैं। इसमें हीटर वैसे तीनों गाड़ी के ठीक थे, जिसमें एक हीटर गाड़ी में अंदर ही टूट गया हेड में, और दूसरा हीटर निकालते वक्त ख़राब हो गया, वो भी टूट गया। एक हीटर सही निकल गया, बाकी हमने दो नए डाल दिए। और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैकेनिक भाइयों से, कि आप जब भी बीट का इंजन करें तो ये जो अभी ऑयल सेपरेटर होता है जो कि ऊपर वाले इस पॉकेट के आगे लगता है, ये आप हमेशा नया डालें। इसकी वजह से गाड़ी टर्बो ऑयल खींचता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। और बीट का टाइमिंग बस वैसे तो सेम शिफ्ट की तरह है, सिर्फ इसका बैलेंसर का टाइमिंग जो होता है वो मिलाना पड़ता है। बैलेंसर में एक सुराग होता है, वो अभी आप देखना, टाइमिंग जैसे आप शिफ्ट का मिलाते हैं वैसे ही मिलाने के बाद, और इसमें एक बोल्ट ले लें आप 13 नंबर का, या हेड वाला बाल ले लें, वो आप फंसा दें और जैसा शिफ्ट का टाइमिंग मिलता है आप वैसे ही लगा दें। हालांकि आप नहीं भी मिलाएंगे तो बैलेंसर की वजह से सिर्फ इंजन थोड़ा वाइब्रेट कर सकता है, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप मिला लें टाइमिंग, जिससे कि वाइब्रेशन को ये ख़त्म करता है बैलेंसर काफ़ी हद तक। यहाँ पर मिलता है बैलेंसर का टाइमिंग, और ये फंसाने के बाद आप टाइमिंग वाले मार्कों पर रखकर और जो क्रैंक का बोल्ट होता है वो आप टाइट कर दें। यहाँ पर बोल्ट फंसा कर आप ये आप देखना, यहाँ पर एक आपको सुराग दिखेगा, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आप इसे फिक्स करके और आप एक बोल्ट लगा दें, या आप हेड वाला बाल हो आप वो लगा दें, और सेम टाइमिंग रख के जैसे आप शिफ्ट का मिलाते हैं और पुली का बोल्ट टाइट कर दें, क्रेंक वाली पुली का। ये टाइमिंग में एक कट होता है, ये आप सामने रखें, और बाकी आप एक वाल ले लें, फ्लाईव्हील में फंसा दें ऐसे करके, और आप ये बोल्ट जहाँ आप मैंने बताया था बैलेंसर की टाइमिंग पे आप वहीं से फंसा दें, और बाकी आप पुली का बोल्ट टाइट कर दें। टाइमिंग तो बहुत आसान है, लेकिन आप कभी अगर ऑयल सेपरेटर चेंज करें, जो ऊपर वाली कैंपर लगा होता है गोल, तो आप कभी भी नीचे का बोल्ट लूज ना करें। उससे क्या है, आप बोल्ट जैसे ही लूज करोगे नीचे वाली पुली का, तो आपका बैलेंसर का टाइमिंग आउट हो जाएगा, जिससे कि इंजन वाइब्रेट करेगा। अगर आप कभी ऑयल सेपरेटर चेंज करें तो आप ऊपर वाली पुली का बोल्ट लूज करके और ऑयल सेपरेटर निकाल लें, और आप वैकम या इसका हाई प्रेशर पंप खोलकर आप ऊपर की कैम का नीचे वाल फंसा के क्रैंक पे और ऊपर की कैम का कट दे के आप ऑयल सेपरेटर लगा के बोल्ट टाइट कर दें, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको चैम्बर खोलना पड़ सकता है बैलेंसर का टाइमिंग मिलाने के लिए। भाई लोगों, हमारा इंजन सब कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करें। अगर आपका दिल कहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें, और आगे भी आप लोगों को बताएं। कोई परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप कमेंट में कोई बात हो तो आप हमें बताना, हम आपको सॉल्यूशन